Hey guys, this is Akash. Welcome back to the channel. I hope you're all good. और टाइटल देख के तो समझ आ ही गया होगा कि इस व्लॉग में क्या क्या होने वाला है. तो हाँ भैया, पैकिंग शुरू हो गई है और कहाँ के लिए पैकिंग शुरू हो गई है ये अभी कुछ बताने वाले हैं नहीं हम, वो धीरे धीरे पता चलेगा. निकाल दिए हैं अब, इनके लिए बैग लेके जाना है. घर पे काम लगा हुआ है, एक लाख भैया काम कर रहे हैं. दिखाइए जरा, हम दिखाइए देखे बैठे ये हाँ मान. जीन्स और शर्ट प्रेस की जा चुकी है, बस यही लेके जाएंगे 220 की ऐसे बाहर घूमने उमने के लिए. ये वाले जूते हैं कैंपस के जो हम लेके आए हैं, ये हमने ली है स्लीपर पहनने के लिए वहाँ पे जहाँ पे हम जाएंगे. अभी हम जा रहे हैं कॉलेज क्योंकि कॉलेज में कुछ काम है और साथ साथ में हम जाएंगे थोड़ा लोअर लेने कपड़े लेने. देखेंगे कैसी लोअर, एक अच्छी सी स्पोर्ट्स वाली लोअर, मतलब दो चाहिए स्पोर्ट्स जिसमें स्क्वाट करते बन जाए अच्छे तरीके. दुकान पे आए हैं सामान लेने, कोई दिक्कत नहीं, देखे कितने मेहनत से काम कर रहा बेचारा है कि नहीं. दो लोवर, दो टी शर्ट और एक हाफ रात में पहन के सोने के लिए क्योंकि भैया गर्मी बहुत होने वाली है इस बार. और बेल्ट वर्कआउट करने के लिए, एक रिस्ट ग्रिप ताकि हाथ मुड़े ना. हो चुका है और ये भी, ये तो फुल टी शर्ट्स भी रख लिए हैं लोअर पर पहनने के लिए, कहीं बाहर आने जाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए. और ये ब्लूटूथ हेडसेट भी लेके जा रहे हैं क्योंकि वर्कआउट करते टाइम ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा. इसमें रिस्ट ग्रिप बेल्ट भी सिम डाल देंगे क्योंकि ज़्यादा भारी चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत, ज़्यादा चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सिम डाल दो सही रहेगा. और बस इसे हम कर देंगे बंद, ये हो गया बंद. बस इसमें अब इस वाले कंपार्टमेंट में कपड़े रखेंगे और बस सारी पैकिंग हो गई समझ लो लगभग. सारी चीज़ें तो हुई नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि ये कपड़े धुलने के लिए ब्रश लेना है क्योंकि अब खुद से ही कपड़े धुलने पड़ेंगे, घसना पड़ेगा. और मूंग लेनी है और सोयाबीन्स लेनी है सुबह भिगा के खाने के लिए, प्रोटीन युक्त चीज़ें ले रहे हैं हम. और एक लाइटर लेना है गैस जलाने के लिए, चाकू लेना है सब्ज़ी काटने के लिए. ये एक जोड़ी एक्स्ट्रा लोअर टी शर्ट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर जब कपड़े धुलेंगे तो पहनने के लिए भी होना चाहिए ना कुछ. प्रभु जैसे दोनों लोअर धुल लेंगे तो क्या पहनेंगे, तो ये पहनेंगे. ये चप्पलें भी नई खरीदी थी, इसलिए नहीं कि बाहर जा रहे हैं बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी जो पुरानी वाली चप्पलें थी वो टूट गई थी, तो ये ले लिए थे ऐसे ही. और आज जूते धुल के डाल दिए थे थोड़े से साफ हो जाए इसलिए क्योंकि भाई बदबू भी बहुत ज़्यादा करने लगे थे. तो अचेरी क्या हाल है, सो रहे होगा, सो 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 आराम से सो. पैर साफ करने के लिए एक मैट ली थी हमने वहाँ पे, तो कपड़े ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं, हर एक चीज़ पैक कर ली है. अब जरा जूतों के हाल देख के आते हैं कि सूखे हैं या नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका सूखना. थोड़े थोड़े सूख चुके हैं, बस हल्का सा बाकी है गीलापन. सारी चीज़ें करने के बाद ये बैग अब पूरी तरीके से पैक हो चुका है, अब इसमें कुछ भी रखना उठाना नहीं है, सारी चीज़ें पैक हो चुकी है, सारे कपड़े पैक हो चुके हैं. अब बचे बर्तन और ये गद्दा, ये बॉटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी. तो हम अभी आए हैं वीमार्ट घूमने इसे टहलने के लिए बाराबंकी में, क्योंकि वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई मॉल वॉल नहीं है, से बाहर है. निकल, 425 रुपये तुम्हारी रेंज से बाहर है, इतनी करीबी अमदेन भाई वाला सोप लेके जाएंगे बर्तन धुलने के लिए. पतंजलि का है सुपर डिस्पोज बार, पतंजलि से बर्तन धुलेंगे हम. देखिए गाइस बर्तन पैक हो रहे हैं हमारे. चेरी देख ले जरा, जूते जो धुले थे हमने कि वो नहीं. गर्मी हो रही है एकदम जलन भरी गर्मी की. देखो पूरे जूते एकदम ऐसे सूख गए हैं जैसे कि गरम पापड़. तो ये पिज़्ज़ा का भी लास्ट बाइट बचा है.
सोचा जाने से पहले एक पिज्जा तो खा ही लेते हैं। छोटो ब्रो चले जाएंगे बंदा। वो रही है फाइनल पैकिंग, ये हम बुक्स लेके जा रहे हैं पढ़ने के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बांदा, और अब किस चीज़ के लिए जा रहे हैं बांदा ये वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा कल के व्लॉग में। और अभी भी बहुत सारी तैयारियाँ बाकी, बहुत सारी चीज़ें रखनी हैं और साथ ही में ये बैंडेज जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी लेके जाना है। अभी इस स्किपिंग रोप को इस डब्बे में पैक करेंगे, उसके बाद ये डब्बा भी बैग में ही जाएगा। तो बुक्स और कपड़ों के साथ ये दो चीज़ें भी जाएंगे बैग के अंदर, तो मच्छर ना लगे इसके लिए ये वाले अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है रख रहे हैं ये भी। और यहाँ पे IPL देखा जा रहा है भैया, जाने से पहले एक मैच तो देख ही लें। ये कुछ दवाइयाँ रख रहे हैं जुकाम बुखार के लिए। सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं, सब कुछ पैक हो चुका है, ये बैग भी पैक हो चुका है, इसमें से कुछ लेना देना नहीं है। ये पिलो, ये गद्दा, ये सब मुझे लेके जाना है। बाकी ऊपर जो राशन पानी का डब्बे वब्बे रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, गैस चूल्हा सब कुछ, सब सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं। बस अब कल गाड़ी आएगी और फिर कल निकल लेना है, बांदा पहुँचेंगे, उसके बाद जो भी होगा आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा। और बहुत खुशी हो रही है अंदर से। वो तो बस आज के लिए इतना ही, अब जो होगा अगले ब्लॉग में देख लेना कल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और बस कल मुलाकात होती है।